हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्विसेज क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है और आज के क्लास में हम लोग राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है उसी को लेके थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बहुत सारे जॉब वैकेंसीज का नोटिफिकेशन निकला है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि असिस्टेंट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर अदर जो वैकेंसीज भी हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट है 27th of December, सो वी रिक्वेस्ट एवरी इंटरेस्टेड कैंडिडेट टू अप्लाई बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशंस। नाउ बिफोर अप्लाइंग फॉर द जॉब वी ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑल द कैंडिडेट्स टू चेक द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द अदर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर द पोस्ट वैकेंसीज। टोटल 588 वैकेंसीज निकला है और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो देन आपको सभी चीजों को फुलफिल करना है, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, ये सभी आपका प्रॉपर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे आप लोगों को 337 वैकेंसीज मिल रहा है। अगर आप असिस्टेंट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 218 पोस्ट का वैकेंसीज मिल रहा है। अगर आप असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 21 वैकेंसीज मिल रहा है। अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर एंड सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 11 वैकेंसीज मिल रहा है। केमिस्ट के लिए सिर्फ एक ही वैकेंसी है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबसे लास्ट में जो है वो है 27th of December, लेकिन कुछ पोस्ट्स के लिए उसके आगे भी खत्म हो जाएगा। जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए स्टार्टिंग डेट है 3rd December और एंडिंग डेट है 22nd December। असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए स्टार्टिंग डेट है 1st December, एंडिंग डेट है 20th December। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए स्टार्टिंग डेट है 6th December और एंडिंग डेट है 25th of December। असिस्टेंट डायरेक्टर एंड सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के पोस्ट के लिए स्टार्टिंग डेट है 8th December, एंडिंग डेट है 27th December। केमिस्ट के पोस्ट के लिए स्टार्टिंग डेट है 7th December, एंडिंग डेट है 26th December। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट था और एप्लीकेशन फॉर्म का एंडिंग डेट था। तो आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी फुलफिल करना पड़ता है, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए आपका MD डिग्री होना चाहिए, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पोस्ट के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना है इन स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथमेटिक्स में या फिर इकोनॉमिक्स में। अगर आप असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन आपका BSc इन एग्रीकल्चर रहना जरूरी है। अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर एंड सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो देन आपका MTech या फिर MSc होना जरूरी है। अगर आप केमिस्ट के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो देन आपका MPharma होना जरूरी है। नाउ कैंडिडेट्स विल ओनली बी एलिजिबल फॉर हिज और हर जॉब पोस्ट अगर उनके एज के हिसाब से, रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अगर मैच करता है एज। असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए मिनिमम एज होना चाहिए 37 ईयर्स और मैक्सिमम एज होना चाहिए 42 ईयर्स। असिस्टेंट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर के लिए मिनिमम एज होना चाहिए 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज होना चाहिए 40 ईयर्स। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के पोस्ट के लिए मिनिमम एज होना चाहिए 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज होना चाहिए 40 ईयर्स। असिस्टेंट डायरेक्टर एंड सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के पोस्ट के लिए मिनिमम एज होना चाहिए 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज होना चाहिए 40 ईयर्स। केमिस्ट के पोस्ट के लिए मिनिमम एज होना चाहिए 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज होना चाहिए 45 ईयर्स। नाउ एप्लीकेशन फिलअप करने के बाद आप लोगों को एक एप्लीकेशन फी पेमेंट करना है जो अलग है अलग कैंडिडेट्स के लिए। जैसे कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 350 रुपीज आपको पे करना है एज एप्लीकेशन फीस, और SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए आपको 150 रुपीज पे करना है एज एप्लीकेशन फीस, और ये आपको सिर्फ ऑनलाइन ही पे करना है। सिलेक्शन प्रोसेस एंटायरली बेस्ड होगा इंटरव्यू राउंड के ऊपर, और अगर पोस्ट के हिसाब से कोई अलग से एग्जामिनेशन लेना पड़ता है तो आप उसके लिए तैयार रहिए। ऑफिशियल वेबसाइट जहां से आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं वो है स्मॉल लेटर्स में rajasthan.gov.in, और यहां से ही आप फॉर्म फिलअप कीजिए और सभी लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में इसी वेबसाइट से, इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग जानिए, अपने आप को अपडेटेड रखिए।
सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन. तो अगर आपको अच्छे तरह से प्रिपरेशन लेना है देन आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, और हम सौरभ्स क्लासेस में यही गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेंगे. हमारे यहाँ पे रेगुलर क्लासेस होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस, रिविजन सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन, और क्रैश कोर्स फैसिलिटीज हैं, मॉक टेस्ट फैसिलिटीज हैं. तो और हम जो एनरोल कैंडिडेट्स होते हैं उन लोगों को हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स की पोर्टल एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जो जितना बार चाहे उसको व्यू कर सकते हैं, एंड जब भी डाउट्स होता है तो वो पोर्टल आप विजिट कर सकते हैं. एंड अगर आपको और भी कुछ जानना है हमारे क्लासेस के बारे में तो आप सॉल्वर्स क्लासेस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं. वहां पे हम लोग किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, या फिर जो सैम्पल पेपर्स है, आंसर पेपर्स है, उसको भी हम सॉल्व करके आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. एंड मोर ओवर हमारा जो सोल्यूशन लाइक सॉल्व स्टडी मटेरियल्स है वो आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगा, तो वहां पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं. और अगर आपको पर्सनली हमें कॉल करना है और अपने आप को एनरोल करना है, और या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में अगर आपको कुछ भी पूछना है, या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, अगर आपको कुछ भी डाउट से कुछ भी हमें पूछना है देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जाके चेक कीजिए. वहां पे हमारा सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया गया है, आप वहां पे कॉन्टैक्ट कीजिए और हमें अपना डाउट्स बोलिए, हम आपका डाउट्स क्लियर करेंगे. सो दैट वॉज ऑल अबाउट आवर क्लासेस एंड दैट वॉज ऑल फॉर टूडेज क्लास ऑल्सो. वी आर गोइंग टू मीट वंस अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लासेस.